यहाँ पे बस लाइन से आपको तीन वड़ा फल देखने को मिलता है, ये एकदम लेफ्ट साइड, फिर एकदम सेंटर में और फिर एकदम राइट साइड में। पीछे है वड़ा फल और अभी चाय की चुस्की मारे जा रहा हूँ, तो चाय पीने के बाद जाएंगे यहाँ पर और फिर मचाएंगे। काफी ज्यादा मजा आ रहा है यहाँ पे। आज हम लोग ऐसी जगह पर आए जहाँ पे जगह जगह पे वाटरफॉल है और काफी बढ़िया बढ़िया यहाँ पे लोकेशन है और सिनारियो और व्यू, भाई कुछ बोल ही नहीं सकता मैं इसके आगे, बस इतना बोलूंगा कि एकदम ऑसम प्लेस है ये। तो ये है भीवपुरी में एक वाटरफॉल है जो हिडन है, बहुत कम लोग ये लोकेशन के बारे में जानते हैं, तो मैं सोचा कि यहाँ पर आता हूँ क्योंकि एक दोस्त था मेरा जिसने यह सजेशन दिया था, वो यहाँ आसपास के गांव में ही रहता है, कि यहाँ पर आओ और यहाँ पर आके भाई एक वीडियो बनाओ। सो यार, तो तुम्हारा भाई यहाँ पर आया है भीवपुरी में ब्लॉग शूट करने और यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि भाई कि यहाँ का लोकेशन कैसा है और वाटरफॉल कैसा है और क्या मतलब क्या सीन है यहाँ का। सो गाइस, लोकेशन के बारे में क्या ही बोलूँ, जैसे कि आप खुद ऑलरेडी देख रहे हो मेरे पीछे, यहाँ पे देखो दो दो वाटरफॉल आपको दिख कर आ रहा होगा और व्यू कितना मस्त है, सिनारियो देखो भाई एकदम मतलब क्या वाइब आ रही है, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। और अगर वो देख रहे हो आप ऊपर साइड जो एकदम पूरा बादल बादल लगे हुए पहाड़, वहाँ अगर पहुँच गए तो ऐसा लगा कि आप दुनिया जीत चुके हो। और लेफ्ट साइड में जैसे आप देख रहे हो पूरा ग्रीनरी है यहाँ पर और काफ़ी बढ़िया लग रहा है लोकेशन, तो मैं आपको पूरा यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा कि आपको यहाँ तक कैसे आना है। सो या तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, दिस इज यूसुफ खान और आज मैं आ चुका हूँ अपने न्यू वीडियो के साथ। सो लेट्स स्टार्ट इट। सो गाइस, जैसे कि आप देख रहे हो मेरे पीछे भीवपुरी स्टेशन है, तो यहाँ से हम लोग अभी सीधा रूट वाइज यहाँ से चल के जाने का है, तो हम लोग यहाँ से भी स्ट्रेट चल के जाना है और आगे हम लोग ऑटो मिलेगा तो सामने भीवपुरी स्टेशन है। सो गाइस, जैसे कि देख रहे हो यहाँ पे अभी गेट है, यहाँ से हम लोग अभी बाहर निकलेंगे और यहाँ पे हम लोग को ऑटो मिल जाएगा और यहाँ पे पीछे ही स्टेशन है भीवपुरी स्टेशन जहाँ से हम लोग अभी आए, तो यहाँ से ज़्यादा नहीं 2 से 3 मिनट का रास्ता है कि गेट से निकलना है, यहाँ से ऑटो मिल जाएगा, शेयरिंग ऑटो मिलता है यहाँ पे और मैं आपको फिर बताता हूँ कि यहाँ पर रेट वेट प्राइस वगैरह क्या है वो भी मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। तो चलो पहले ऑटो लेते हैं। सो गाइस, जैसे कि देख रहे हो पीछे रिक्शा, ये रिक्शा से मैं इधर आया हूँ रिक्शा, तो यहाँ से हम लोग अभी सीधा जाएंगे, जैसे कि ये रूट दिख रहा है आपको, ये पूरा एकदम स्ट्रेट यहाँ से जाना है। सो रिक्शा से मुझे आने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा, होगा 5 मिनट का रास्ता होगा और कभी कभी यहाँ पे शेयरिंग मिलता है, शेयरिंग अगर आप शेयरिंग ऑटो लेते हो तो आपको 20 रुपीज़ देना पड़ेगा पर पर्सन, और या नहीं तो फिर कभी कभी ज़्यादा लोग नहीं रहते हैं तो शेयरिंग पे नहीं मानते हैं यहाँ पे ऑटो वाले, तो आपको पर्सनल रिक्शा करना पड़ेगा जिसका 60 रुपीज़ ऑलमोस्ट जाएगा। तो यार ठीक है, यहाँ के लिए कॉस्ट ज़्यादा यहाँ पर खर्चा होता नहीं है तो सही है, तो यहाँ से हम लोग अभी सीधा चल के जा रहे हैं। सो गाइस, जैसे कि हम लोग अभी ये रास्ते से आए हैं सीधा यहाँ से, और फिर इसके बाद हम लोग को यहाँ से दो रास्ता दिखता है, एक लेफ्ट साइड जाता है एक राइट साइड जाता है, तो आपको राइट वाला रास्ता लेना है और सीधा चलना है। सो यार, स्टैंड करना है इधर। सो गाइस, लुक चेंज हो चुका है, एक्चुअली इंट्रो मैंने स्टार्टिंग में शूट नहीं किया था, तो जस्ट अभी इंट्रो शूट किया हूँ जो आपने स्टार्टिंग में देखा होगा। तो अभी हम लोग ने लास्ट जो यहाँ पे हम लोग पहुँचे थे, यहाँ से यहाँ पे ऊपर आए थे अभी, जैसे कि देख सकते हो बोर्ड जो हम लोग दिखाया था, तो ये बोर्ड से अभी हम लोग यहाँ से अपने सीधा जाना है, यहाँ इस साइड से रूट है, यहाँ से निकलना है और सीधा चढ़ते चढ़ते इधर अपना कहाँ गया वाटरफॉल कहाँ गया, हाँ वाटरफॉल के बाद अपने को पहुँचना है उधर, तो चलो चलते हैं। और काफ़ी बढ़िया प्लेस है ये और मुझे लगता है कि अगर आपको मतलब ज़िंदगी में सुकून चाहिए तो ये लोकेशन पे आओ, क्योंकि ये एकदम ना मतलब गांव वाली जो वाइब होती है ना वो यहाँ पे वाइब, गांव वाली वाइब यहाँ पर आती है और एकदम पूरा ग्रीनरी है और वाटरफॉल, सिर्फ मतलब पानी की आवाज़ जो आती है एकदम बहुत प्यारी सी वैसा आएगा और मिट्टी की एकदम जो स्मेल होती है, गीली मिट्टी की जो स्मेल होती है वो आपको आएगा और काफ़ी अच्छा लगेगा यहाँ पर आने के बाद आपको। तो अगर आप ज़िंदगी से बहुत परेशान हो और आपको सुकून चाहिए तो ये लोकेशन पे एक बार विज़िट करो अपना टाइम निकाल के, आपको बहुत ही काफ़ी ज़्यादा सुकून मिलेगा
तो चलो अभी वाटरफॉल के पास जाते हैं। तो गाइस अभी मुझे भूख लगा है और हम लोग खाना खाने के लिए यहाँ पे रुके हैं, तो वाटरफॉल जाने से पहले यहाँ पे कुछ थोड़ा पेट पूजा करूँ कि पेट भर जाए, क्योंकि हम लोग साइन से आए हैं और साइन से व्यूपुरी आने के लिए भाई 2.5 घंटे का रास्ता है ट्रेन से, तो बहुत ही ज़्यादा मैं थक चुका हूँ। तो पहले हम लोग यहाँ पे थोड़ा पेट पूजा करेंगे, फिर आगे चलेंगे वाटरफॉल के लिए। सो यार व्यूपुरी के आसपास अगर आप रहते हो कोई भी स्टेशन या कोई भी मतलब जंक्शन के पास, तो आपको यहाँ पे आने के लिए ज़्यादा लंबा नहीं है और काफ़ी बढ़िया लोकेशन है। अगर आप व्यूपुरी स्टेशन से उतरते हो तो वहाँ से आपको ऑटो मिलेगा, जो आपको अगर शेयरिंग लोगे तो 20 रुपीज़ लगेगा पर पर्सन। अगर आप शेयरिंग नहीं लेते हो, कभी कभार शेयरिंग नहीं मिलती है तो भी प्रॉब्लम है। अगर आपको शेयरिंग नहीं मिला तो नॉर्मल ऑटो आपको 60 रुपीज़ या 50 रुपीज़ लेगा, यहाँ तक आपको छोड़ देगा। ऑटो से 10 मिनट का रास्ता है, ज़्यादा लंबा नहीं है, और स्टेशन से ऑटो तक का रास्ता आपको मतलब 2 से 3 मिनट का रास्ता है आपको, जैसे कि आपने स्टार्टिंग में वीडियो में देखा वो पटरी क्रॉस करना है बस आपको, तो 2 से 3 मिनट का रास्ता है और फिर वहाँ से आपको ऑटो मिलेगा और ऑटो पे बैठ के आपको वहाँ से 10 मिनट का रास्ता है ये भेवपुरी वाटरफॉल के लिए। फिर यहाँ से आप एंटर होते हैं एक गाँव वाले इलाके में और फिर उस इलाके में आपको चलना है। ऑलमोस्ट यहाँ से अभी हम लोग चले थे, यहाँ तक आने के लिए मुझे 5 मिनट लगा है और अभी वाटरफॉल जाने तक मेरे ख्याल से 5 या 8 मिनट जो भी लगेगा, 10 मिनट समझ लो, 15 मिनट एग्जैक्टली 15 मिनट आपको वाटरफॉल तक पहुँचने को लगेगा। तो पूरा कुल मिला के भेवपुरी स्टेशन से यहाँ वाटरफॉल तक का लोकेशन कितना होता है, 25 से 30 मिनट होता है और आप वाटरफॉल पहुँच जाओगे अगर भेवपुरी स्टेशन में उतरते हैं। तो चलो मैं खाना खाता हूँ और आप लोगों के लिए भी खाना है तो आके खा लो, मैं अपने दिल में रख के लेकर आया हूँ आपके लिए खाना वो नूडल्स। सो या लाइक कर दो जब तक के लिए वीडियो, जब तक मैं खा के मिलता हूँ। सो गाइस हम लोग यहाँ पे बैठ के अभी खाना खाए, तो अभी जो पीछे साइड जो देख रहे हो आप यहाँ पे ना 3-3 वाटरफॉल है, तो अभी सोच रहा हूँ कौन से जगह पे जाना चाहिए, डिसाइड करते जो सबसे बड़ा और ह्यूज जो होगा वही वाटरफॉल जाऊँगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे वही देखना है। यहाँ पे बस लाइन से आपको 3 वाटरफॉल देखने को मिलता है, ये एकदम लेफ्ट साइड, फिर एकदम सेंटर में और फिर एकदम राइट साइड में। जो सबसे ज़्यादा ह्यूज कौन सा है वहाँ पे हम लोग जाएंगे अभी, तो चलो चलते हैं। तो एक वाटरफॉल यहाँ पे है सामने और दूसरा वाटरफॉल एग्जैक्ट यहाँ पे है, वाइट वाइट आपको हल्का हल्का दिख रहा होगा फ्लो पानी का, और एक वाटरफॉल है यहाँ पे। तो 3 वाटरफॉल है, ये सबसे छोटा वाटरफॉल है और ये नॉर्मल मीडियम है मेरे ख्याल से, और ये सबसे यूज वाटरफॉल है। तो हम लोग अभी डिसाइड किए कि यहाँ पर जाएंगे, ये वाटरफॉल के पास जाएंगे हम लोग, तो ये एकदम लेफ्ट साइड है, तो अभी हम लोग यहाँ पर जाने वाले हैं। तो चलो यहाँ पर चलते हैं, वाटरफॉल एकदम सीधा रास्ता है यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, फिर आगे बताता हूँ, चलो। So guys, जैसे कि जो घर की बात कर रहा था, घर के जरा पास हम लोग पहुंच चुके हैं, तो यहाँ से अभी हम लोग लिख लेंगे और यहाँ से जो 2 वाटरफॉल के बारे में बताया था, एक जो छोटा वाला है और जो मीडियम है, वो यहाँ से रास्ता है, यहाँ से भी आ सकते हैं घर के पीछे से, ओके, या तो यहाँ से भी आ सकते हैं। सो या मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों की पूरा टाइम लैप्स दिखाऊँ वॉक जो मैं करके जा रहा हूँ जो लाइन से, ताकि आपको रास्ता ईजीली समझ में आए। तो या आप वीडियो स्किप मत करो, पूरा देखो कि तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ से कितना लंबा और कहाँ कहाँ से जाना है, टर्निंग वगैरह कहाँ से लेना, तो आपको पूरा समझ में आएगा। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको टाइम लैप्स लेके दिखाऊँ। एक और साइन मार्क मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, यहाँ पर एक और घर है ग्रीन कलर का, और यहाँ पे आपको एक और होटल मिलेगा जहाँ पे आपको वड़ा पाव वगैरह भी मिल जाएगा खाने के लिए। तो यहाँ पे बहुत कम होटल्स हैं, लेकिन छोटे छोटे मतलब ऐसा कैंटीन जैसा है, यार क्या बोलूँ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, लेकिन यहाँ पे थोड़ा बहुत खाने पीने की चीज़ें मिल जाएगी एकदम, यहाँ पे आप भूखे नहीं रहोगे। और आपको कुछ ऐसा हैवी खाने की आदत है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप घर से लेकर आओ टिफ़िन में, ताकि आपको यहाँ मतलब भूख वूख लगे तो आप कुछ रहे आपके पास खाने के लिए। बाकी चिप्स वगैरह, ड्रिंक्स वगैरह, पेप्सी वगैरह आपको मिल जाएगा यहाँ पे। और या और सेकंड चीज़, अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो यहाँ पे जैसे कि देखो बहुत सारे लोकेशन पे इस तरीके का पानी वगैरह है और कहीं कहीं पे ऊंचा नीचा पत्थर वगैरह है, तो ग्रिप नहीं बनता है यहाँ पे सही से। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप ऐसे शू पहनो जो ऐसी जगह पे स्लिपरी जगह है, यहाँ पे ऐसी जगह पे आपका ग्रिप बने और आप ऐसा पिसल इसल हो नहीं, ताकि सेफ्टी इज़ मोर इम्पोर्टेंट ना। तो या आप कुछ ऐसा शू पहनो जिससे कि आपको चलने में यहाँ पे आसानी हो। या सो गाइस हो चुका है ड्रेस चेंज और पीछे है वाटरफॉल, और अभी चाय की चुस्की मारे जा रहा हूँ, तो चाय पीने के बाद जाएंगे यहाँ पर और फिर मचाएंगे। ये जुबान वाली हरकत नहीं है, आई नो नहीं करना चाहिए था लेकिन हो गया।
तो चलो भी चलते हैं चाय पी के। या चेयर्स। ये वादियों में ना मतलब चाय पीना भाई, मतलब चारों साइड यहाँ पे वाटरफॉल हो रहा है, एकदम ग्रीनरी जगह है और एकदम ठंडी ठंडी हवा चल रही है, हल्की हल्की बारिश की बूंदे गिर रही है। मैंने थोड़ा ख्वाहिश किया था तो हल्की हल्की अभी थोड़ी बारिश हुई है, तो मौसम थोड़ा ठंडा है और हल्की हल्की बूंद गिर रही है और चाय पीने का मजा भी आ रहा है। तो भाई यही तो चाहिए था। So yeah, cheers! Yeah, so finally, मैं जो हूँ पहुंच गया हूँ वाटरफॉल के पास और आवाज थोड़ी सी कम आ रही होगी और ये रहा। ओ भाई चलो भाई नहाते। Switching, you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They see with the negativity, but I just slide right back. और हम लोग अभी अब जा रहे हैं भाई सबसे फाइनल और बड़े वाले वाटरफॉल में जो हम लोग के पीछे ही है, तो यहाँ जाने वाले अभी और काफी मजा आ रहा है। पहले तो स्टार्टिंग स्टार्टिंग में थोड़ा थोड़ा मेरे को डर लग रहा था यहाँ पे कि कैसा रहेगा नहीं रहेगा पता नहीं, तो मैं अंदर जा नहीं रहा था। फिर थोड़ी हिम्मत आई और फिर गया और बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। चलो भी चलते हैं बड़े वाले वाटर फॉल। That's why I say, fake it till you make it, eh? And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst I say and turn them to a game. Take the best I say and put them on display. On repeat in your brain till you're feeling it. So guys, I'm done. I'm out. तो अभी हम लोग निकलते थे पीछे जो राज है ना, काफ़ी मजा किया मैंने यहाँ पे, लेकिन वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा लोग नहा रहे थे। तो चलो अभी चलते हैं, ऐसे निकलते हैं, ड्रेस वगैरह चेंज करते हैं, फिर मैं आपको मिलता हूँ डायरेक्ट ड्रेस चेंज करने के बाद। वो भी बहुत लग रही है तो कुछ खाएंगे। तो या सो गाइस चेंज कर लिए हम लोग ने और ठीक सामने यहाँ पे वाटरफॉल हो रहा है और यहाँ से वड़ा पाव खरीद के वड़ा पाव खा रहे हैं और व्यू का मज़ा ले रहे हैं। इसमें भी अलग मजा है। तो या वड़ा पाव भी अच्छा है। ऐसे वड़ा फल साथ में वड़ा पाओ, एकदम शांति मस्त मजा आया। सो गाइस हम लोग अभी पूरा बाहर आ चुके हैं और वहाँ का वड़ा पाव सही में बहुत अच्छा था, तो हमने थोड़ा और भी पार्सल ले लिया खाने के लिए। सो एक चीज़ की थोड़ी सी शिकायत रहेगी यहाँ पे कि मुझे मैगी खाने का बहुत मन था यहाँ पे, क्योंकि ये लोकेशन पे मैगी खाना बहुत अच्छा लगता है। जहाँ पे ऐसा लोकेशन हो, ग्रीनी वाटर वाटरफॉल्स, तो बहुत वहाँ पे कैसे मैगी खाने का मज़ा ही अलग होता है, तो वो थोड़ा नहीं मिल पाया। यहाँ पे जगह जगह पे आपको शॉप मिल जाएगी लेकिन वहाँ पे आपको ज़्यादा नहीं मिलेगा, जैसे कि भुट्टा हर जगह पे मिल रहा था, हर शॉप पे भुट्टा मिल रहा था और चिप्स वगैरह मिल रहे थे, कोल्ड ड्रिंक वगैरह मिल रहे थे, बाकी सब और चीज़ें थी, लेकिन खाने पीने की इतनी कुछ चीज़ें थी नहीं, जैसे कि और भी चीज़ें खाने की वो सब चीज़ कुछ था नहीं, सिर्फ भुट्टा था जो एक खाने के लिए था और एक कोई कोई जगह पे वड़ा पाव मिल जा रहा था। तो एक जगह से वड़ा पाव लिए, बहुत अच्छा था, तो और भी पार्सल दिए। सो यार चलो अब यहाँ पे ब्लॉग एंड करते हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, लोकेशन भी अच्छा लगा होगा और जितना हो सके मैंने उतना डिटेल में आपको यहाँ का लोकेशन शेयर करने की कोशिश किया ताकि आपको यहाँ पे आने में कोई भी दिक्कत ना हो। तो यार आप यहाँ पे आसानी से आ सकते हो। सो गाइज अब वहाँ पे बारिश हो रही थी तो हम लोग थोड़ा यहाँ पे आ गए बाहर, हम लोग निकल चुके हैं ऑलमोस्ट, तो अभी व्लॉग यहाँ पे एंड करते हैं। सो यार आई होप यू लाइक दिस वीडियो, इफ यू डिड सो प्लीज लीव लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। प्लीज बाय, पीस आउट। You can still go, even when you feel slow. You can still go, even when there's no hope. You can still go, I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go.